हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज तक आपका लीनियर इक्वेशंस का पार्ट कंप्लीट कर लिया, आज आप सभी के साथ में उपस्थित हूं लेकर 4.3 एक्सरसाइज और इसके भी क्वेश्चंस कैसे कैसे बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आप समझ पाएंगे। बस आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करते। जैसे इसका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रत्येक के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें दिया गया जो फर्स्ट पार्ट है x plus y equals to 4, क्या है x plus y equals to 4 जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए आपको करना है। तो फर्स्ट पार्ट आप करेंगे स्टूडेंट्स x plus y equals to 4, तो y equals to क्या लिखेंगे 4 minus x, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू ले जाएंगे तो x equal to क्या हो जाएगा 4 minus x हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके लिए ब्लॉक बना लेंगे x और y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, x के अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y के अलग अलग वैल्यूज आपको मिलते जाएंगे स्टूडेंट्स x और y। x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो 4 minus 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 3 हो जाती है। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 2 हो जाती है। ऐसे ही x की वैल्यू अगर आप minus 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू अगर minus 1 पुट करते हैं तो minus आपका minus 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम माइनस टू को करते हैं स्टूडेंट्स तो माइनस टू रखने पे आपका 6 हो जाएगा। इस तरह से आप इसके वैल्यू निकालेंगे। तो ये आप अब इसके लिए आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के लिए, तो इसके लिए आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो क्या है एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट्स उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस। अब क्या है x की वैल्यू 1, तो इसमें सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि जो नीचे के होते हैं वो निगेटिव होते हैं। इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा ऐसे -1 -2, इधर के सब पॉजिटिव होते हैं। इस तरह से आप लिखवाइए 1 2 3 ऐसे। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है 1 पे 3 है, यानी जब x एक्सिस पे आप 1, यानी कि x का 3 1 है तो y का वैल्यू 3 है, तो x पे 1 है और y का क्या है 3, तो 1 और 3 दोनों एक दूसरे को कहां मीट करते हैं इस पॉइंट पे करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट का 1, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, 3 हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऐसे ही अब जब 2 लेते हैं तो 2 मिलता है, क्या मिलता है 2 लेने पे 2 मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स x पे 2 है और y पे 2 है, तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहां पे होता है, ये होता है इस पॉइंट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। इसी तरह से -1 लेते हैं तो 5 मिलता है स्टूडेंट्स, -1 लेते हैं तो क्या मिलता है 5 मिलता है, तो माइनस और 5 कहां पे आपका मिलेगा यहां पे मिलेगा, तो ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा -1, 5 का ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 5 ये बन जाएगा आपका पॉइंट। और जब नेक्स्ट यानी कि -2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, तो -2 का 6 कहां पे मिलता है स्टूडेंट्स, -2 और 6 आपका यहां पे मिलता है। इस तरह से -2 और 6 यहां पे, ये वाला का -6 यहां पे, तो इस तरह से -6 और उसका जो जहां यहां पे मिलेगा इसका क्या हो जाएगा -2, 6 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं चारों जो पॉइंट हैं ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है, इसको आप मिलाएंगे तो इसे मिलने पर एक स्ट्रेट लाइन आपको बन जाएगा, यही इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। इसी इक्वेशन को लिख देंगे x plus y equals to 4, ये इसके लिए एक ग्राफ हो गया, यही आपको बनाना था, ये आपका बन गया स्टूडेंट्स। ऐसे आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट क्या है y equals to 3, सेकंड पार्ट था x minus y equals to 2, सेकंड पार्ट है इसका क्या स्टूडेंट्स x minus y equals to 2, तो इसको आप लिख सकते हैं -y equal to 2 minus x, minus 1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा y equals to x minus 2 हो जाएगा, ये आप इस फॉर्म में इसको बनाना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी ब्लॉक बना लेंगे x और y एक्सिस के लिए, x और y एक्सिस के लिए जो आप इसका ब्लॉक बनाते हैं तो x और y, इसके भी दो चार वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो x की वैल्यू देखिए यहां पे क्या रखते हैं, जब 1 रखते हैं तो -2 + 1 है तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, जब 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स -1 मिल जाता है, समझ रहे हैं। और जब यहाँ पे आप 2 पुट करते हैं तो आपको 0 मिल जाता है, 2 रखने पे क्या होता है 2 -2 0 हो जाता है स्टूडेंट्स।
अब यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो -1 अपने पे स्टूडेंट्स -3 मिल जाता है, और -2 अगर आप करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो -4 मिल जाता है। इस तरह से आपकी वैल्यूज फाइनल होती है। तो सेम इसका भी ग्राफ उसी तरह से जैसे अभी हम लोगों ने बनाया है ऐसी ग्राफ इसका भी हम बना के दिखा देंगे आपको कैसे बनता है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -1 -3 -4 इस तरह से हो जाएगा। स्टूडेंट जो आपने x पे 1 लिया तो y पे -1 मिला, तो x पे 1 और y पे -1 यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं यहां पर बनेगा, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -1। इसी तरह से 2 लिया तो आपका 0 मिल गया, तो स्टूडेंट जब आप 2 ले रहे हैं तो 0 मिल गया यानी कि ये यहां पर कहीं मिलेगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 2, 0 हो गया, यहां पे 2, 0 हो गया। इसी तरह से जब -1 लिया स्टूडेंट्स तो -1 यानी x पे जब आपने -1 लिया तो y पे -3 मिल गया, तो y पे -3 कहां आप देख पा रहे हैं यहां पे आपको मिलेगा 1 पे यानी कि आपका -3 मिल रहा है, तो यहां पे क्या हो गया -1, 3 हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया -1, 3 हो गया। इसी तरह से जब हमने -2 लिया तो -2 लेने पे -4 आपका मिला स्टूडेंट्स, यहां पे आपका हो पाएगा ये, तो -2 लेने पे क्या मिला है -2, 4 यहां पे इसका कोऑर्डिनेट हो रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि चारों पॉइंट यानी एक सीधे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, तो इस पॉइंट को मिलाते हुए यानी कि बना देंगे स्ट्रेट लाइन बनेगा, और यही लाइन क्या होगा ग्राफ होगा किसी इक्वेशन का होगा स्टूडेंट्स, -y = 2 का ग्राफ यानी कि ये लाइन होगा। इस तरह से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। ऐसे इसका थर्ड पार्ट बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है x की वैल्यू पुट करना है, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी और ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। यहां पर भी फोर्थ में भी वही करना है, फोर्थ का ग्राफ यानी कि इसका भी ग्राफ, फोर्थ का ग्राफ हम आपको बना के दिखा दें, तो फोर्थ का ग्राफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यानी कि इक्वेशन अगर आप फोर्थ को बनाते हैं तो फोर में क्या हो जाएगा 3 = 2x + y, तो y स्टूडेंट्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, y आप लिख सकते हैं 3 - 2x, तो 3 - 2x क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए भी ब्लॉक बना लीजिएगा, x के अलग अलग वैल्यूज पुट करिएगा, y की अलग अलग वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, अलग अलग मिल जाएंगे, और उसको इसी तरह से आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाइएगा जैसे आपने इसको किया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के बहुत से थर्ड एंड फोर्थ इसको आप इजी कर पाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपको दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, कौन कौन से होमवर्क में करने हैं स्टूडेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ करने हैं, बहुत इजी है जैसे कि अभी ये दोनों हमने बताया है, इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ होने इसको आप कर पाएंगे। नहीं हो पा रहा है कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका ये कहां प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स कह रहा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ये नहीं कहा गया है कि आपको क्या करना है, इक्वेशन देना है क्या है 2, 14 के लिए यानी कि वहां पे कितनी लाइंस पास करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 2, 5 अगर हम देखें 2, 14 के लिए, तो 2, 14 के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें कहा गया है कि बुक खोल के देख सकते हैं कि गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2, 14, तो 2, 14 बार के तो कितने लाइन पॉसिबल इस तरह से हो सकते हैं, तो आपको अपने से इक्वेशन फॉर्म करना है, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2, 14 कैन बी टेकन एज द इक्वेशन वी कैन टेक पासिंग थ्रू 2, 14 कौन कौन से ऐसे इक्वेशन हैं जो यानी कि 2, 14 से पास करते हुए हम ले सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे हम इक्वेशन ले सकते हैं कौन से, जैसे कि हमारे यहाँ इक्वेशन ले लें x + y = 16, तो आप देख पा रहे हैं 2 x की वैल्यू 2 रखेंगे y की 14 रखेंगे तो ये क्या हो पाएगा यानी 16 हो पाएगा। तो एक तो इक्वेशन आपका ये हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया एक इक्वेशन आपको मिल गया कि जो इससे पास करेगा। अगर ऐसे ही हम और भी इक्वेशन बनाना चाहें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, आप ले सकते हैं 7x - y = 0 यानी इसमें भी आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 7 = 14 हो गया समझे, और y की वैल्यू 14 रखेंगे तो ये 0 सेटिस्फाई करेगा।
यानी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि इन दोनों की वैल्यू पुट करने पर इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ये दोनों पुट करने पर ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि इक्वल यानी कि इतना आए, तो फिर ये क्या होगा, इसके लिए इक्वेशन होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे इक्वेशंस फॉर्म किए जा सकते हैं। कितने किए जा सकते हैं? मेनी सच लाइंस यानी कि पासेस हो सकती है। इस तरह से अगर आपको इसको उस पर दिखाना है, अगर मान लिया ग्राफ पे भी दिखाना है तो भी आप दिखा पाएंगे कि जब दिखाएंगे तो 2,14 के लिए ये 2 हो गया और यहाँ पे कहीं 14 हो गया, इन दोनों को मिलाते हुए यानी क्या करेंगे, पॉइंट बनेगा 2,14 का। तो 2,14 का यानी कि क्या होगा, किसी सिंगल पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास हो जाते हैं। इस तरह से आप इसको देख पाएंगे, तो यानी कि इसके मेनी यानी इक्वेशंस फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप बताएंगे कि इसके बहुत सारे इक्वेशंस फॉर्म हो सकते हैं और बहुत सारी लाइन यानी कि क्या कर सकती है, इस पॉइंट से पास हो सकती है। आपको ये आंसर बता देना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, यानी क्या करना है, 3,4 दिया गया है कि अगर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहा हूं कि अगर 3,4 जो है ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, कहां कर रहा है, किसी इक्वेशन पे कर रहा है, और वो इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन है 3x। स्टूडेंट्स इक्वेशन आपका है कि 3y = ax + 7, इक्वेशन है 3y = ax + 7। तो जब ये इस पे लाई कर रहा है तो a की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x के लिए पे आप 3 रख दीजिए और y के लिए पे 4 रख दीजिए, तो 3×4 यहाँ पे हो जाएगा = a, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है और +7 हो गया, तो 4×3=12 हो गया स्टूडेंट्स, ये 7 इधर से आएगा -7 हो जाएगा और यहाँ पे 3a हो गया और ये 5 आ गया स्टूडेंट्स, 3a हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5/3। इस तरह से आप इसको निकाल पाएंगे, यही आपको निकालना था, इस तरह से आप कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन थर्ड तक इसको कंप्लीट करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप कि ये सब आप सभी को समझ में आया होगा, बेहतर आया होगा। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे इसको ज्यादा से ज्यादा लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।